हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल बोल बॉलीवुड पर। आज हम बात करेंगे 5 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज हुई वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो के बारे में, जिसमें कि मुख्य किरदार निभाया है डिंपल कपाड़िया, राधिका मदान, मोनिका डोगरा, उदित अरोड़ा, अंगीरा धर, दीपक डोबरियाल, वरुण मित्रा, ईशा तलवार, आशीष वर्मा और नसरुद्दीन शाह ने। इस फिल्म को लिखा है सौरभ डे, करण व्यास, नंदिनी गुप्ता और अमन मन्नान ने। वहीं इसका निर्देशक होमी अदाजानिया और इस वेब सीरीज के निर्माता दिनेश विजान है। वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो को अगर एक लाइन में समझना है तो हमें पहले फ्लेमिंगो का मतलब समझना जरूरी है। फ्लेमिंगो का मतलब ड्रग्स होता है, यानी कि इस सीरीज की पूरी कहानी सास बहू और ड्रग्स के इर्द गिर्द घूमती है। क्राइम फिल्मों और वेब सीरीज में अब तक जितने भी अपराध पुरुष करते दिखाए गए हैं, उतने ही अपराध इस सीरीज में महिलाओं को करते दिखाया गया है। सारे क्राइम की मुखिया एक सास है, जो अपने दो बहुओं के साथ मिलकर पूरे ड्रग्स का रैकेट चलाती है। वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो की पृष्ठभूमि राजस्थान की है। सावित्री देवी, जिन्हें लोग रानी बा के नाम से जानते हैं, अपनी बहुओं के साथ मिलकर रानी कोऑपरेटिव नाम से एक कंपनी चलाती है। वह जड़ी बूटी और हाथों से बनाए खिलौने के धंधे की आड़ में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार चलाती है। सावित्री देवी के दोनों बेटे अपनी माँ और पत्नियों के इस कारोबार से पूरी तरह से अनजान है। बाद में उन्हें भी पता चलता है कि जिस ड्रग्स का सेवन वे विदेश में करते थे, वह उनके ही घर से ही देश विदेश में बहुत बड़े पैमाने पर भेजी जा रही है। मुंबई की नारकोटिक्स टीम सावित्री देवी तक पहुंचने की कोशिश करती है। ड्रग्स का एक और व्यापारी मोंक भी है कहानी में। वह सावित्री देवी के कारोबार को इसलिए नष्ट करने की कोशिश करता है ताकि वह अकेले पूरे धंधे का किंग बन सके। वेब सीरीज का पूरा ताना बाना ड्रग्स व्यापार, अवैध संबंध, समलैंगिकता और खुद के वर्चस्व को स्थापित करने के खूनी खेल पर आधारित है। दिखने में तो सावित्री देवी का पूरा परिवार एकजुट है, लेकिन सबकी एक अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए कब कौन किसकी बलि चढ़ा दे, यह इस सीरीज की कहानी को अंत तक बांधे हुए रखती है। डिंपल कपाड़िया ने सावित्री देवी का किरदार निभाया है और मोंक का किरदार निभा रहे दीपक डोबरियाल के साथ उनकी जबरदस्त टक्कर दिखाई गई है। सीरीज की कहानी इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। डिंपल कपाड़िया यहाँ एक अलग ही रौबदार अवतार में नजर आई है, तो दीपक डोबरियाल का किरदार भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि ऐसा ही किरदार वह हालिया रिलीज फिल्म भोला में भी कर चुके हैं। बात करें दूसरे एक्टर्स की तो राधिका मदान, मोनिका डोगरा, उदित अरोड़ा, अंगिका धर, वरुण मित्रा, ईशा तलवार, आशीष वर्मा ने अपनी भूमिका के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश की है। खास तौर पर अंगिका धर, ईशा तलवार और राधिका मदान ने वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो में जबरदस्त एक्शन सीन भी किए हैं। कहने को नसरुद्दीन शाह भी हैं, पर उनका किरदार यहाँ बस कहने भर को ही है। वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो की शूटिंग राजस्थान, गुजरात और मुंबई जैसे लोकेशन पे की गई है। मेकिंग के दौरान छोटी सी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। लिसेन देसाई की सिनेमेटोग्राफी सीरीज के दृश्य को काफी खूबसूरत बनाती है। अमृतपाल का एक्शन देखने लायक है। सीरीज ने पहले एपिसोड से लेकर के 8वें एपिसोड तक अपनी पकड़ बनाए रखी है। एडिटर श्रीकर प्रसाद ने सीरीज को एडिट करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि कोई दृश्य बोरियत ना महसूस कराए। हाँ, सचिन जिगर का संगीत बस ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे इस वेब सीरीज की फुल रिव्यू, और आपने भी अगर ये वेब सीरीज देखी हुई है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही बॉलीवुड से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।